हेलो किसान भाइयों, आपका हमारे स्मार्ट किसान टीवी चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको 5 HP DC सबमर्सिबल सोलर पंप के बारे में जानकारी देंगे कि कितना पानी रहता है, कितना खर्चा आता है और कितने टेम्परेचर तक ये चल जाता है और इसको लगवाने की क्या प्रोसेस है। आज हम आपको सारी डिटेल देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे खेत में 5 HP DC सबमर्सिबल सोलर पंप लगा हुआ है। हम आपको इसके बारे में इसको चला के भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें आठ 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 की दो प्लेटें लगी हुई हैं, 16 प्लेटें हैं और ये DC है जो कि AC से ज़्यादा पानी देता है। और इसको हम आपको चला के बताते हैं कि ये कितना पानी देता है, फिर हम आपको इसके बारे में लगवाने की डिटेल भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हम चलाने वाले हैं अभी। ये इसका कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है इसकी, ये केबिन के थ्रू इधर से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ के। अब हम आपको चालू करके बताते हैं। पहले ये MCB रहती है यहाँ पे, इस MCB को ऑन करें। अभी आपको लाइटें दिखने लगी होंगी, इसमें जलने लगी हैं। और फिर हम नीचे एक बटन है, इस बटन को हम ऑन करेंगे तो हमारा मोटर चालू होती है। मोटर चालू होने में टाइम लगता है पर पानी बहुत अच्छा प्रेशर आता है। आप देख सकते हैं धूप काफ़ी कम है, अभी टेम्परेचर लगभग 19 डिग्री है और मोटर अब चालू हो चुकी है। आपको पानी भी दिखाई देने लगेगा। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर 20 डिग्री बना हुआ है, वेरी वीक UV मतलब धूप बहुत कम है। और ये आज शनिवार है, ये तो आप देखिए अब ये मोटर चालू हो चुकी है। ये देखिए कितना पानी दे रही है। ये इसका प्रेशर काफ़ी है, ये दिन भर अभी ऐसी चलती रहेगी, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं पास में। इसको लगवाने में मात्र 5 HP DC को लगवाने में 72,000 का खर्चा आता है, जो मैंने साल 2018 में NPCM सोलर पंप योजना में लगवाया था। तो आपको इसको लगवाने के लिए NPCM सोलर पंप.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए जो जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगता है, जैसे वही की फ़ोटोकॉपी, खसरा खतौनी, यह आपको अपलोड करना पड़ेगी। और बस मामूली सी कार्रवाई के बाद ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये हमने बंद कर दिया है अभी, वो भराने के बाद आप उसकी हार्ड कॉपी को ले जाके सोलर पंप के विभाग में आप जमा कर सकते हैं। वो जमा करने के बाद आपको फिर कॉल आएगा वहाँ से। कॉल आने के 20 दिन के बाद आपको बाकी की शुरू में फॉर्म भरते वक्त 5,000 रुपये जमा करवाई जाती है और इसके बाद आपको जो बाकी की फीस रहती है टोटल, जैसे मेरा 72,000 लगा था तो फिर मुझे 67,000 रुपये मुझे जमा करना पड़ा था। तो आप 67,000 रुपये जमा कर दीजिए, उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर आपके फील्ड पर ये सोलर पंप लग जाएगा। ये देखिए हम डबल से चालू करते हैं, लग जाएगा। फिर उससे आपको मतलब धूप निकलती है सुबह 7:30 बजे के लगभग ही चालू हो जाएगा और शाम को 5:30 बजे तक बढ़िया चलेगा। लगभग तापमान 15 डिग्री 12 डिग्री के आसपास भी हो तो भी खूब अच्छा देता है, बादल भी हो तो भी चलता है। बस इसको लगवाने से बहुत ही बेनिफिट है। देखिए हमने डबल से चलाई है, कितना अच्छा पानी दे रही है।
जितना दूर ले जाएंगे आप उतना अच्छा पानी देगी, तो पास में दूर में कोई फ़र्क नहीं आता है ज़्यादा। ये देखिए बंद करना हो तो भी आप नीचे से बंद कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप देखिए अभी मोटर चल ही रही है, अभी जो पाइप में भरा था वो पानी आ रहा था। देखिए तो आप इसको लगवा कर बहुत ही फायदे में रहेंगे। तो लगवाने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अभी ये स्कीम बंद पड़ी हुई है, जब भी चालू होती है आप तुरंत इसके लिए अप्लाई करें। चुके नहीं क्योंकि तो मैंने भी दो फॉर्म भरे, एक मेरा लग चुका है, एक मेरा लगने का बाकी रहा है, और अभी फॉर्म भराना बंद हो गए हैं। तो मैं बहुत पछता रहा हूँ, इकट्ठे अगर 3-4 भर देता है तो मुझे फ़ायदा मिलता है। तो आप भी ज़रूर जल्द से जल्द लगवाएँ और स्कीम का लाभ उठाना। धन्यवाद किसान भाई।